हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चों आप सब लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपकी आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, वो टॉपिक है किस तरीके से हम लोगों को टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज को चूज़ करना है, देना है, कौन सी टेस्ट सीरीज या फिर टेस्ट हम लोग के लिए बेटर रहेंगे, कोचिंग वाली टेस्ट सीरीज लेनी है या कोचिंग के बाहर की टेस्ट सीरीज लेनी है, और टेस्ट सीरीज लेने के बाद वो कौन कौन से स्टेप्स है जिसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें उस टेस्ट सीरीज का पूरा एडवांटेज नहीं मिलेगा। दैट मीन्स हम उस टेस्ट सीरीज लेने के बाद भी हमारी बच्चों हमारे मेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में परफॉर्मेंस हमारी इन्हांस नहीं होने वाली है। तो इन सब के बारे में दोस्तों डिटेल में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले तो बात ये आती है कि हमें भाई टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है, टेस्ट सीरीज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और अगर लें तो कौन सी टेस्ट सीरीज लें। तो सबसे पहले बच्चों मैं पहले सवाल पे आता हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज क्या है। दोस्तों देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको लेक्चर की नॉलेज हो गई है, लेकिन दोस्तों अल्टीमेट चीज़ क्या होती है? आपको कहीं पे नॉलेज जा करके नहीं करनी है, आपको कहीं पे लेक्चर ला करके नहीं देना। अल्टीमेटली आपने जो सीखा है आपको उसको एक टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा उसको शो ऑफ करना है। सो सारी की सारी चीज़ बच्चों वहीं पे आके अटक जाती है कि अगर आपके नंबर आते हैं तभी आपको माना जाए कि भाई आपको कंसेप्ट आता है, और लाख आपको कंसेप्ट आता है, लेकिन अगर आप उस टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाते तो दुनिया आपको उस टॉपिक के बारे में या फिर दुनिया बच्चों आपको नॉलेज को बच्चों अप्रिशिएट नहीं करेगी। तो चूंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमने उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में परफॉर्म किया है या नहीं किया है। सो परफॉर्मेंस इज़ द अल्टीमेट क्राइटेरिया। सो देखिए दोस्तों, सिर्फ लर्निंग नहीं चीज़ होती है हमारी, हमको उस लर्निंग को लेकर के हमें परफॉर्म भी करना है। आपको लाख बच्चों क्रिकेट की बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन अगर आप मैच में, अगर आप इंटरनेशनल मैच में रन नहीं बनाएंगे तो बच्चों कोई भी दुनिया आपको पूछेगी नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, आपको लाख कंसेप्ट आते हैं, मैथ्स के कंसेप्ट आते हैं, केमिस्ट्री कंसेप्ट आते हैं, फिजिक्स के कंसेप्ट आते हैं, आप अपने दोस्तों को सवाल बता देते हैं, लेकिन मुन्ना जब तक आप लोग टेस्ट में परफॉर्म नहीं करेंगे, आप आईआईटी जेईई नीट के एग्जाम में परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों बात हमारी नहीं सुनी जाएगी, हमारी उस तैयारी का बच्चों कोई भी फायदा नहीं रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये आता है, देखिए टेस्ट में परफॉर्मेंस के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं, एक तो हमको नॉलेज होनी चाहिए, वो तो भाई चलिए आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ा, या मैं कह सकता हूँ कि उससे भी बड़ा या उसके बराबरी का ही इंपॉर्टेंस होती है टेस्ट में परफॉर्मेंस का। दोस्तों परफॉर्मेंस एक आर्ट है, हर कोई बंदा बच्चों परफॉर्म नहीं कर पाता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो मेन मैच में जाकर के, मेन एग्जाम में जाके कोलैप्स कर जाते हैं, और ऐसे बंदों की संख्या 50% से भी ज़्यादा होती है। दोस्तों जब हम लोग तैयारी करते थे या फिर जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, दोस्तों मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि अगर मान लीजिए आईआईटी जेईई में 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं तो 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको सारे कंसेप्ट आते हैं। यस, आई ट्रूली मीन इट कि बच्चों 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको सारे कंसेप्ट आते हैं, लेकिन उसमें से आईआईटी में कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? 5,000 से 10,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। सो दैट मीन्स वो जो 90,000 बच्चे हैं जिनको कंसेप्ट आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो परफॉर्म क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वो सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे अच्छी रैंक के बाद भी? क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सो परफॉर्मेंस इज अ वेरी वेरी बिग आर्ट, और बेटा इस आर्ट को हमें सीखना पड़ता है, ये आर्ट अपने आप नहीं होती, इस आर्ट को हमने डेवलप करना पड़ता है। आपको परफॉर्मेंस को डेवलप करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आपको एग्जाम में परफॉर्म करने की आदत डालनी पड़ेगी। दोस्तों अच्छा मुझे ये बताइए, विराट कोहली हो गए, जितने भी क्रिकेटर्स हो गए, वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, बट उसके बावजूद भी वो लोग रणजी मैच भी वगैरह खेलते होंगे, आपने देखा होगा यार, जितने भी हमारे टॉप क्रिकेटर्स हैं वो बीच बीच में बेटा रणजी क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं। क्यों खेलते हैं यार? सो दैट वो अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सके। तो बेटा जिस तरह से बड़े बड़े क्रिकेटर्स बीच बीच में जाकर के रणजी वगैरह के मैचेस खेलते हैं, डोमेस्टिक मैचेस वगैरह खेलते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह से आपको भी बेटा करना पड़ेगा। आपको सिर्फ उस मेन एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट देने होंगे। सो टेस्ट ही बच्चों आपको परफॉर्मेंस की आर्ट सिखाता है। दोस्तों यकीन मानिए, मैं आपको अपना खुद के एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ, जब आप आईआईटी का या नीट का एग्ज़ाम देने जाओगे ना, आपकी बेटा हाथ में एकदम वाट लग जाएगी आपकी। आप पर प्रेशर देखो कैसे शुरू होता है, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहले तो उस दिन नींद ही नहीं आती पूरी की पूरी, वो दिन आपको बच्चों नींद नहीं आएगी। उसके बाद आप उठोगे तैयार होगे, सब कुछ एकदम ऐसे शेकी टाइप का रहेगा। फिर सबसे बड़ा मैटर शुरू होता है जब आप खाना खाने के लिए बैठ दो, आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा, जल्दी जल्दी सब कुछ करोगे, पढ़े ना पढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर सारी की सारी मैटर शुरू होती है जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं,
हजारों बच्चों को देखते हैं, कुछ कुछ बच्चे तो चेहरे से इतने पढ़ाकू लगते हैं कि लगता है यार इसका सिलेक्शन होगा अपना नहीं होगा, अपन तो यार इसके जैसे है ही नहीं, लेकिन उसकी भी हालत खराब है यार। तो मुद्दे की बात बेटा, जब हम क्लासरूम में जाते हैं, पेपर मिलता है बेटा, उस समय सारा का सारा प्रेशर शुरू होने लगता है। कई बार आपके पेरेंट्स के कारण आपका प्रेशर होने लगता है, वो आपको डांटते हैं नंबर लाने, उनके डर के कारण, कई बार उनकी स्थिति, हमको लगता है यार हमें उनके सामने प्रूव करना है, उनकी अच्छाई के लिए भी हमारे अपने ऊपर एक प्रेशर आ जाता है यार कि मेरे लिए ये एग्जाम बहुत ज़रूरी है। सो प्रेशर प्रेशर प्रेशर, IIT JEE और नीट का एग्जाम बेटा इज ऑल अबाउट प्रेशर, और बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो बेटा इस प्रेशर हैंडलिंग की, नेचुरली इनको प्रेशर को हैंडल करना आता है। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को ये प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन सीखनी पड़ती है। और अगर मान लीजिए आप नेचुरली, आपको प्रेशर टैकल करना आता है, इसके बावजूद भी अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करना है, आपको और अच्छा करना है यार, तो इसके लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सो अगली चीज़ अपनी आती है कि अगर टेस्ट सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर टेस्ट सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, टाइम मैनेजमेंट सिखाती है हमको, किस तरह से हमको कम टाइम के अंदर सवालों को अप्रोच करना है, कौन से सवाल हमको टेस्ट सीरीज में हमको अटेम्प्ट करने, कौन से सवाल छोड़ने, कुछ कुछ सवाल बेटा टाइम ट्रैप होते हैं, वो सवाल जानबूझ के ऐसे डाले जाते हैं कि आपका टाइम खराब कर ले, तो उन सवालों को हमने देखते ही छोड़ देना। अब ये आदत कैसे आएगी, कैसे आएगी, जब आप 2-3 बार इस तरह के टाइम ट्रैप के सवालों में फंस चुके होंगे। ये सब चीज़ें आपको बेटा टेस्ट सीरीज से सीखने को मिलती है, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और इसकी इंपॉर्टेंस बेटा आपकी तैयारी, आपकी कोचिंग जितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज हम लोग चूज करें, हम लोग अपनी खुद की कोचिंग की टेस्ट सीरीज चूज करें या हम लोग कोई बाहर की कोचिंग, बाहर की टेस्ट सीरीज चूज करें। बच्चों मैं दोनों की एनालिसिस करूंगा। देखिए अगर आपको अपनी कोचिंग पे फेथ है या आपको लगता है कि आपकी कोचिंग में प्रॉपर टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो ऐसे केस में आप अपनी कोचिंग की टेस्ट सीरीज चूज करिए। रीज़न ये है क्योंकि कोचिंग की टेस्ट सीरीज में जो सिलेबस है वो उसी पैटर्न पर चल रहा है जिस पैटर्न पर आप पढ़ रहे हो। बाहर की टेस्ट सीरीज में क्या होगा, वो अपनी कोचिंग के हिसाब से बच्चों आपको चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन देंगे। आप 11th में हो, आपके कोचिंग में लेट से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है बट उन्होंने ऑर्गेनिक दे दिए, बेटा पूरा का पूरा मामला कोलैप्स हो जाएगा। और ये चीज़ कब पता चलती है, जब हम टेस्ट सीरीज में पैसे लगा चुके होते तब। सो मेरी पहली एडवाइस, अगर आपकी कोचिंग में प्रॉपर टेस्ट की फैसिलिटी है, प्रॉपर टेस्ट का एक माहौल है, तो आप अपनी कोचिंग की टेस्ट सीरीज चूज़ करिए। लेकिन इसके बावजूद भी लास्ट में आकर के, दैट मीन्स लास्ट के 6 महीने में, जब आपका 12th का कोर्स ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है अक्टूबर के समय, उस समय आई रिकमेंड कि आप एक छोटी सी नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज जरूर चूज करिएगा। 11th 12th में पैसा मत डाल करना, 12th में अक्टूबर के एंड के समय, उस समय बेटा आप एक नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज जरूर से चूज करना, जिसमें कि आपको फुल टेस्ट का पैकेज मिल जाएगा, ढूंढना बहुत आसानी से मिल जाएगी, 1/4 रेट पे भी से भी कम रेट पे आपको मिल जाएगी उस समय, ठीक है। तो उस समय फुल टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज चूज करना जो कि आपको नेशनल वाइज आपकी रैंकिंग दे सके, ये सबसे अच्छा कॉम्बो है। वो सारे बच्चे जो कि एक प्रॉपर टेस्ट, जो कि एक प्रॉपर कोचिंग वगैरह नहीं ले रहे हैं, वो लोग क्या करें। तो बेटा ऐसे केस में आपको एक बाहरी टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए या एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लें। लेकिन उसमें मैं बेटा आपको ये सजेस्ट करूँ कि आपकी टेस्ट सीरीज जो चूज़ करो उसमें ये फैसिलिटी हो कि आप अपने टेस्ट को पॉज कर सको। दैट मीन्स अगर मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स टेस्ट नंबर 3 में हो रहा है, तो आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट तब दे सको जब आपने खुद से टेस्ट थर्मोडायनेमिक्स की आपने प्रिपरेशन कर ली। सो दैट मीन्स पेपर होल्डिंग की फैसिलिटी जहाँ पर हो वही टेस्ट सीरीज देना बेटा, ये मेरी आपको एडवाइस है। आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद मुझे डेफिनेटली थैंक्स कहोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों का एक्सपीरियंस है, वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस वीडियो में। अगली चीज़ ये आती कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज अगर हम चूज़ करें, अगर हमें चूज़ करना है तो कौन सी टेस्ट सीरीज चूज़ करें। या देखो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपका बजट कैसा है और उसके अलावा भी कि मतलब आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, मतलब आपके पास टाइम कितना है, आप डमी स्कूल में हो, ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जाऊँ, सो मैं केमिस्ट्री के हिसाब से बेटा अगर मैं बताऊँ, सो अगर आप लेट से बाहर की किसी टेस्ट सीरीज को आप ले रहे हो, आप कोई नेशनल वाइज आप एक टेस्ट सीरीज ले रहे हो, तो सबसे पहली जो दिल्ली की जो सबसे बड़ी कोचिंग है उसकी टेस्ट सीरीज मत लेना। यस बेटा, जो दिल्ली की सबसे बड़ी कोचिंग है उसकी टेस्ट सीरीज मत लेना। कुछ कारणों से बेटा मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आप समझते हो ये सब चीज़ें लीगली अलाउड नहीं होती, और मैं किसी ट्रैप में भी नहीं फंसना चाहता हूँ। लेकिन बेटा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो दिल्ली की जो सबसे बड़ी कोचिंग है उसकी टेस्ट सीरीज और उस कोचिंग को कभी मैं ज्वाइन करने के लिए नहीं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उनका जो प्लानिंग है ना, उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत ही गलत है, वो बेटा बहुत ही गलत है। सो अगर आपको बेटा ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ गो फॉर कोटा बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उनकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए। वो एक बहुत ही, क्योंकि कोटा की पूरी पूरी इकोनॉमी बेटा IIT JEE नीट के ऊपर डिपेंडेंट है। सो वहाँ की टेस्ट सीरीज जो भी है अच्छी हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए जो आपके बजट में आती है,
और मैं बोल रहा हूँ बेटा कोई भी टेस्टरी ज्वाइन करना, 5,000 से 10,000 से ज़्यादा पैसा मत डांड करना उसका, कोई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि मान लो कोई टेस्टरीज आपको 100 टेस्ट दे रही तो उसमें आपका बहुत भला हो जाएगा ना, 8-10 टेस्ट बहुत होते हैं, 8-10 टेस्ट बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, अगर बहुत ज़्यादा टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करो तो आपके टाइम वेस्ट होगा, आपको खुद को पढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा। सो हार्डली आपको 8-10 टेस्ट की ज़रूरत है, और उसके लिए बेटा जो आइडियल बजट होना चाहिए 5,000 से लेकर 10,000 तक, या उससे अच्छी डील मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ये दोस्तों रहा मेरा कौन सी टेस्टरीज हमें ज्वाइन करनी है। इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं कि अगर मान लीजिए हमने टेस्टरी ज्वाइन कर ली है तो हमें क्या से उसको अप्रोच करना है। देखिए टेस्टरीज ज्वाइन करते समय पहली चीज़ समझिए, ऐसा नहीं हो कि पहले टेस्ट से ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा आने लगेगा, या अगर आपका पहले टेस्ट से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है तो उसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के साथ सीन क्या होगा, उनकी जिस लेवल की तैयारी होगी, लेट से वो मार्क्स अज्यूम कर रहे हैं 60, तो बेटा उनको जो टेस्ट सीरीज में उनके जो मार्क्स आएंगे 40 आएंगे, तो यहीं से आपकी बेटा शुरुआत हो जाती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही रहता है सर हमें आता है लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो टेस्ट में नंबर नहीं आते, सबसे ज़्यादा बच्चों के सवाल यही होते हैं कि सर टेस्ट में नंबर नहीं आते। बेटा टेस्ट में नंबर कैसे आएंगे, आपको वो आर्ट सीखनी पड़ेगी, कौन से टेस्ट को पकड़ना है कौन से टेस्ट को छोड़ना है ये आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी, सिली मिस्टेक को अवॉइड करने की आर्ट बेटा आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी बेटा टेस्ट में नंबर आएंगे। इसके लिए तरीका क्या है, इसके लिए बच्चों तरीका क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा सबसे पहली चीज़, जब भी आप लोग घर पे कोई भी चैप्टर पढ़ते हो कोई भी एक सब टॉपिक आपने पढ़ा, लेट से मैंने दो दिन में एक छोटा सा मैंने टॉपिक पढ़ा, लेट से कि मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस पढ़ लिया, लेट से मैंने जीओसी में लेट से मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिया, या लेट से मैंने थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, उसका मैंने कोचिंग का शीट लगाया, उसके मैंने सारे सवाल लगाए। इसके बाद आपने क्या करना, आपने एक किताब लेकर के रखनी अपने घर में, कौन सी किताब, बहुत सी क्रैश कोर्स टाइप की किताब आती हैं, जैसे कि अरिहंत की एक आती है 40 डेज केमिस्ट्री फॉर ITJEE, ठीक है, 40 डेज केमिस्ट्री फॉर NEET, इस तरह की एक किताब आती है 200-250 रुपये की आती है, इसको आप खरीद करके रख लो, और उसमें क्या होता है बेटा चैप्टर वाइज सवाल होते हैं। सो आपने क्या करना है, कोई भी सब टॉपिक खत्म होने के बाद अपना एक 10 मिनट की क्विज देनी अपने घर पर वॉच से, मैंने ये 10 सवाल ले लिए, इन 10 सवालों को मैंने पहले कभी सेलेक्ट नहीं किया हुआ, मैंने इन 10 सवालों को पहले कभी लगाया नहीं, मैंने उस किताब को ही किस लिए रखा हो, अपनी क्विज के लिए। सो हर एक छोटा सा टॉपिक कवर करने के बाद आप अपना एक खुद एक 10 मिनट का क्विज लोगे, कैसा 10 मिनट, मैं अगर ऑर्गेनिक का चैप्टर है तो 10 मिनट में 10 सवाल, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो 10 मिनट में 5 सवाल, एक छोटी सी क्विज, और मैं उस क्विज को अपने आप दे रहा हूँ, खुद की OMR शीट बना करके दे रहा हूँ, और उस क्विज को देने के बाद मुझे अपना टाइम स्कोर देखना है कि मैंने कितना टाइम में कितने सवाल किए, दूसरी चीज़ मैंने किस सवाल में ज़्यादा टाइम दिया किस सवाल में कम टाइम दिया, कोई मैंने एक सवाल किया तो उस सवाल में क्या मैंने कहीं मतलब एक्स्ट्रा स्टेप्स कर लिए, क्या मैं उस सवाल को और कॉम्पैक्ट वे में कर सकता था, इन सब चीज़ों को एनालाइज करना है। 10 मिनट की क्विज दी है, 20 मिनट की एनालिसिस करना, 10 मिनट की क्विज दी है बेटा, 20 मिनट की उसकी एनालिसिस करना, एनालिसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनालिसिस में क्या क्या करोगे, आपका कितना टाइम लगा, किस सवाल में आपने ज़्यादा टाइम दिया, किस सवाल में आपने ज़्यादा स्टेप्स दिए, इन सब चीज़ों की एनालिसिस करनी होगी। और अगर आपने कोई भी सवाल में सिली मिस्टेक दी है तो बेटा बहुत ही एकदम गर्व के साथ बहुत ही प्यार से अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अपने आप को 2 थप्पड़ रसीद करना, यस मेरी बात सुन लो, अगर आपने किसी भी सवाल में एक कोई सी भी सिली मिस्टेक की तो अपने आप को उसी समय 2 थप्पड़ रसीद करना, इतना ज़ोर से थप्पड़ मारना कि पूरे घर को आवाज़ आए, क्योंकि हम एक बहुत ही सीरियस एग्ज़ाम की तैयारी करें बेटा, हम लोग ITJEE NEET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में हम सिली मिस्टेक की आदत नहीं डाल सकते, पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी तुम लोगों की सिली मिस्टेक के चक्कर में। तो हर एक सिली मिस्टेक पे मेरे नाम पे, कहना कि विनीत सर ने दिया, आप नहीं दे रहे हो, विनीत सर दे रहे हैं आपको, ठीक है, 2 थप्पड़ अपने आप को रिसीव करना, और अगर वो सिली मिस्टेक रिपीट करते हो तो 3 थप्पड़ मारना, इतने कस के वो 3 थप्पड़ मारना कि दोबारा कभी वो गलती ना कर पाओ, और वो जो सिली मिस्टेक की उसको एक कॉपी में बेटा आपने नोट करना होगा, ये आदत बहुत ज़रूरी है। हर टेस्ट देने के बाद अपनी एनालिसिस को कॉपी में लिखिए, उस कॉपी में लिखिए, सिली मिस्टेक्स को कॉपी में लिखिए, और सोने से पहले वीक में दो तीन बार सोने से पहले उस कॉपी को एनालाइज करो, मैंने क्या क्या गलती की थी, ओहो मैंने प्लस का माइनस कर दिया, क्यों मैंने प्लस का माइनस किया, आगे से कभी गलती नहीं करूंगा, इस तरह से बेटा अपनी एनालिसिस को रिपीट करेंगे। इससे क्या होगा, सोते समय अनकॉन्शियस माइंड में भी बेटा आपको उस गलती की याद रहेगी, और फिर अगली बार जब आप एग्जाम कर रहे होगे, कोई सवाल आपने किया 40 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड में आप उसका रिवीजन करोगे और उस गलती पे आपकी नज़र जाएगी जाएगी, कहीं मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में Q=ΔU + ΔW तो नहीं कर दिया, इस तरह की बेटा आपकी फिर प्रैक्टिस बन जाएगी।
तो प्लीज़ अपनी एक सेपरेट कॉपी बनाइए जिसमें कि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं इंक्रीज़ हो रही है, सिली मिस्टेक्स को बेटा नोट डाउन करिए। और यही चीज़ और ज़्यादा सीरियसनेस के साथ जब आप कोई अपनी कोचिंग का टेस्ट देते हैं, कोई एक टेस्ट सीरीज का टेस्ट देते हैं, उसमें इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है। सो बेटा मैंने इस छोटी सी कॉपी बनवाने का मेन एम क्या किया है, जब मैं टेस्ट सीरीज का टेस्ट दे रहा हूँ तो मैं उसको भी इतना सीरियसनेस के साथ दे रहा हूँ कि मेरे लिए वो ITJEE का टेस्ट है। मैंने यार 5,000 की एक 10 पेपर की टेस्ट सीरीज मैंने खरीदी, 500 रुपये का एक पेपर है, मैं उस 500 रुपये के लिए जान लगा दूंगा। ये मेरे अंदर जुनून होना चाहिए, ये पागलपन होना चाहिए। मैं उस टेस्ट को इतना सीरियसली दे रहा हूँ कि मतलब अगर मैंने उसमें परफॉर्म नहीं किया ना तो मैं अपने आप को 5 थप्पड़ रसीद करूँगा। ये चीज़ है। सो आपने उस टेस्ट के लिए इतने अच्छे से तैयारी की हुई है, फिर इस तरह से जब आप इतनी सीरियसनेस के साथ जब आप टेस्ट सीरीज को देते जा रहे हो तो बेटा फिर आप यकीन मानो यार, आप पहले अटेम्प्ट में बेटा ITJEE नीट एग्ज़ाम फोड़ दोगे। 100% बता रहा हूँ बेटा, अगर इन सब चीज़ों को आप एनालाइज करोगे तो बेटा आप अपने ITJEE और नीट के एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ दो, क्योंकि तब आपकी क्या होगी, सिली मिस्टेक्स की आदत आपकी छूट चुकी होगी। इतने थप्पड़ तुमने रसीद कर दिए अपने गाल पे कि गाल पूरे लाल हो गए, आपके बेटा कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी। यकीन मानो, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, बहुत सीरियसनेस के साथ आपको टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है। टेस्ट सीरीज बहुत बहुत ज़रूरी है, और ये भी मत समझना कि बहुत ज़्यादा पैसे देने वाली टेस्ट सीरीज ले, नहीं, टेस्ट सीरीज में पैसे खर्चने से ज़्यादा उसको अटेम्प्ट करने की नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए। उस टेस्ट सीरीज के लिए सीरियसनेस बेटा बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। मान लीजिए दोस्तों आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है, नेट पे सेलेक्ट करो, इतने सारे पेपर मिल जाएंगे आपको, इतने सारे पास के कोचिंग सेंटर्स वगैरह के आपको बेटा पूरे पूरे पेपर्स मिल जाएंगे, 2016 2017 के टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, उनको करो यार, बिना पैसा खर्चा किए आप लोग काम कर सकते हो। ये सब चीज़ तो ये सब बच्चों मेरी एनालिसिस है, और अगर आप लोग इन सब चीज़ों को करेंगे तो आई होप बेटा आपका बहुत बहुत अच्छे से आपकी सारी की सारी चीज़ें होंगी। देखो कोई भी जो आपके मार्क्स हैं, ऐसा नहीं हो कि ओवरनाइट चेंज हो जाएंगे, लेकिन बेटा 5 टेस्ट के बाद ये सब अगर आप सीरियसनेस करोगे तो 5 टेस्ट के बाद बेटा आपके परफॉर्मेंस इंक्रीज होने लगेंगे। मैं आपको अपनी खुद की बात बताऊं, मैंने लास्ट के 2-3 महीनों में कम से कम 100-150 टेस्ट दिए होंगे। यस, मैंने लास्ट के अपने तैयारी के 2-3 महीनों में 100-150 टेस्ट दिए होंगे। वो 100-150 टेस्ट फुल 3 घंटे वाले टेस्ट नहीं थे, कुछ टेस्ट 10 मिनट के थे, कुछ टेस्ट 15 मिनट के थे, लेकिन बेटा मेरे उनसे जो स्पीड बढ़ी थी ना, क्या मैं आपको बात बताऊँ, मेरी स्पीड दुगनी हो गई थी। मैथ्स में बेटा डबल स्पीड हो गई थी मेरी, और डबल स्पीड मतलब समझ रहे हो, परफॉर्मेंस एकदम यू टर्न ले ली थी मेरी। ये चीज़ है। और एक दूसरी बात बताऊँ, कोई भी अपनी जो आदत डालिए, प्रेशर हैंडलिंग की आदत डालिए, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कुछ लोग, उससे बेटा आपका बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा। कुछ बच्चों के अंदर टेंडेंसी होती है वो हर प्रेशर सिचुएशन में भी मस्त रहते हैं। मस्त रहने की आदत डाल लो, और मस्त रहने की आदत कैसे आएगी, सिर्फ पूरे घंटे अगर सिर्फ घर में घुसे रहोगे तो बेटा मस्त नहीं रह पाओगे। 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद थोड़ा सा बाहर भी निकलो, 4 घंटे पढ़ाई की, आधा एक घंटा दोस्तों के साथ बकचोदी की, उसी से बेटा मस्त रहोगे। चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किताबी कीड़ा मत बनिएगा, मस्ती करिए, लाइफ भी थोड़ा सा एंजॉय करिए, लेकिन अपने टारगेट्स को सेक्रीफाइस नहीं करना है, सिर्फ मस्ती नहीं करना है। जो इलाहाबाद वाले बंदे वो क्या करेंगे, 4 घंटा दोपहर में पढ़ाई की, चले गए थोड़ा सा घूमने के लिए, या कोचिंग में क्लास करने चले गए, वहाँ पे थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया, दोस्तों के साथ बकचोदी वगैरह कर ली, या फिर नैनी के ब्रिज पे चले गए, वहाँ पे थोड़ा बहुत हल्के हो गए 1-2 घंटे, फिर रात में आकर के 4-5 घंटा दाग दिया। सो मुद्दे की बात, थोड़ा सा मस्त रहिए, पढ़ाई अपनी सिंसियर रखिए, पढ़ाई के प्रति ऑनेस्ट रखिए, कोई बुरी आदत मत डालिए, कोई एडिक्टिव चीज़ों की आदत मत डालिए। ये सब बेटा करते रहोगे, थोड़ा सा मस्त रहोगे, पढ़ाई के लिए सीरियस रहोगे, और जिन जिन बातों का मैंने आपको बताया है उनको फॉलो करोगे, 100% बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका ITJEE नीट निकलेगा। तो ये सब बच्चों मेरा आपका एक एनालिसिस थी, एक ऑनेस्ट फीडबैक था जो मेरे 10 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उसको लेकर के आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और आई विश कि आप सब लोगों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से। थैंक यू वेरी मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।